नमस्कार, स्वागत है आपका जीजीएन न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। और आपके साथ मैं हूं गणेश। इस वक्त हम मौजूद है हल्द्वानी के रामलीला मोहल्ला स्थित एक निजी बैंक्वेट हॉल में। आपको बता दूं, आज यहां पर जो शहर के एक व्यापारी हैं सारे वो एकत्र हुए हैं, तो हम यहां पर व्यापारियों से बात करेंगे और जानेंगे किस मुद्दे को लेकर जो शहर के सारे व्यापारी हैं वो लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। तमाम जो पदाधिकारी यहां पर अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं व्यापार मंडल के, वो लोग पहुंचे हुए, उन सबसे बात करेंगे और जानेंगे किस मुद्दे को लेकर व्यापारी यहां पर एकत्र हुए हैं। सबसे बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है व्यापार मंडल के अध्यक्ष योगेश शर्मा, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, आज आप सब लोग यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, तो किस मुद्दे को लेकर ये मीटिंग हो रही है? प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा व्यापारियों पे एक ऐसी मुसीबत का खड़ी कर दी गई है जिससे व्यापारी घर दुकान सब उहापोगी स्थिति में, लोगों के खाने छूट गए हैं, बच्चे पालने की समस्या आने को तैयार बैठी है। प्रशासन का खूनी पंजा धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, तो इस संबंध में हमने एक मीटिंग बुलाई है व्यापारियों से कि अपने विचार साझा करें कि इस आंदोलन को कैसे और तेज किया जाए। ये आज दोबारा से इस आंदोलन की शुरुआत है, सभी व्यापारियों के विचार लिए जाएंगे, सभी साथियों के विचार लिए जाएंगे, फिर इस आंदोलन कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके लिए एक रणनीति तय की जाएगी। इस रणनीति को अमली जामा पहनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें संघर्ष कैसे करना है, हमें रोडों पे कैसे आना है, हमें कितना संख्या बल दिखाना है, हमें क्या क्या करना है, सब आज के इस आंदोलन में तय किया जाएगा, इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई। जय हिंद, जय भारत। इससे पहले हमने देखा आप लोगों ने मशाल जुलूस भी निकाला, तमाम तरह से विरोध प्रदर्शन किया था, उसके बाद कोर्ट में भी आप लोगों की तरफ से मुकदमा फाइल किया गया था, उस पर क्या अपडेट है, जो कोर्ट में केस चल रहा है अभी? उस वक्त तारीख में हमारे पास समय है, अभी नेक्स्ट हियरिंग कब है सर? शायद 11 अगस्त। तो प्रशासन अभी अपनी संपत्ति खुर्द-बुर्द कर रहा है जिसे वो अपनी कहता है, लेकिन वो उनकी भी अपनी नहीं है, वो हम व्यापारियों की भी है, हम समाज के लोगों की भी है। एक अच्छा अधिकारी भी टैक्स देता है, एक व्यापारी भी टैक्स देता है, तो सबके टैक्स से ली गई जमीन को प्रशासन खाली अपनी कहना गलत है। ये सबकी चीज है, सबकी संपत्ति खुर्द-बुर्द कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि हम अपनी संपत्ति, ये अपनी संपत्ति कह के बरगला रहा है। और मैं आपको बता दूं, वो व्यापारियों को अतिक्रमणकारी कह रहे हैं, जबकि व्यापारी अतिक्रमणकारी नहीं है। ऐसे व्यापारी भी हैं जो उस जगह पे 100 साल से व्यापार कर रहे हैं, हम वो चाहेंगे तो हम उसकी रसीद आपको दिखा देंगे। हम नगर निगम किराएदार, नगर निगम किराया देता है, सारे टैक्स देता है, और जो फ्री होल्ड बिल्डिंग है उसका तो स्वामी ही है। असल में प्रशासन अपना रूप हमें स्पष्ट नहीं कर रहा है, अलग अलग बातें कर रहा है, भ्रम करने वाली स्थिति पैदा कर रहा है, लेकिन हम भ्रम में नहीं आएंगे। हम लोगों ने इतना आंदोलन कर लिया आज तक हर डिपार्टमेंट के खिलाफ कि हम भी अब पक चुके हैं, और व्यापारियों को कैसे एकजुट करना है ये हमें आता है, हम एकजुट करेंगे और हम इस लड़ाई को जीत कर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर, कितनी दुकानें लगभग इसकी जद में आ रही है? 67 दुकानें। और सर, इससे पहले जैसे अभी हम देख रहे हैं कि लगातार लाफिंग का काम और दूसरा काम तो प्रशासन की तरफ से चल रहा है, तो आप लोगों की वार्ता हुई इस बीच में, किस तरह का कोई प्रशासन की तरफ से? हमारी ऐसी कोई खास वार्ता नहीं हुई है, ऐसी कोई खास वार्ता नहीं हुई है, लेकिन मैम ने भी अनुरोध किया तो उसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखो, डीएम साहब अनुरोध नहीं कर सकते, डीएम साहब तो आदेश दे सकती हैं, लेकिन हमारे डीएम साहब का बात तो करने का लहजा बहुत अच्छा है। उस दिन जब वो मार्केट आई थी मैं यहाँ नहीं था, लेकिन हमारे व्यापारियों ने बताया, वो खुद पैदल चलकर हर दुकान पे गई है। ये एक बड़े अधिकारी के लिए सैल्यूट बनता है कि एक आईएएस अधिकारी खुद सड़क पे आके हर दुकानदार से मिलना है। इसके लिए सारे व्यापारी की ओर से मैं डीएम साहब को सैल्यूट देता हूँ कि ऐसी डीएम साहिबा हमें मिली है, तो व्यापारियों का कुछ अच्छा ही होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं व्यापार मंडल के महामंत्री मनोज जायसवाल, उनसे बात करते हैं। सर, आज सारे व्यापारी यहाँ पे जुटे, किस मुद्दे को लेकर आप लोग यहाँ पे बैठक कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बैठक हमारी एक, हमने एक समिति बनाई थी, संघर्ष समिति, जो नैता लोड हाईवे में जिनका उत्पीड़न हो रहा है, जो अतिक्रमणकारी नहीं है, जिनका उत्पीड़न हो रहा है, उस उत्पीड़न के संदर्भ में एक हमारी पूर्व में हम लोग ने एक आंदोलन चलाया था, जिस आंदोलन के बाद बहुत देर तक प्रशासन भी ठप बैठा था, और इधर हमारे व्यापारी भी इस चीज़ को लेकर दिशा देते थे कि शायद 11 या 8 या 9 मीटर में कई बीच में रूपरेखा हमारी तय हो जाए। अभी कुछ बीच में कुछ प्रशासन द्वारा, सबसे पहले ये जो था ये 12 मीटर का था शायद, सबसे पहले आज से बहुत से पहले ये 15 मीटर का बहुत पहले इंतजार लग गए थे। उसके बाद ये जो यहाँ की जो नगर कमेटी के प्रशासन लोगों ने इन्हें रिपोर्ट बनाई, इसको 12 मीटर पर
चिन्हित करा जाए। आप लोगों ने विरोध, हमने उसका विरोध करा, तो विरोध होने के बाद, क्योंकि ये विरोध हमारा जाड़ के टाइम से आज लगभग 7-8 महीने से, उसके बाद हम विरोध हुआ, उससे पहले विरोध हुआ था लगातार, उस विरोध के बाद एक अतिक्रमण तक रुक गया था। तो उसके बाद हमारी जो जिला प्रशासन थे, बीच में वार्ता हुई, वार्ता में ये हुआ कि शायद हम 10 मीटर के अगर आसपास सहमत हो जाते हैं तो कोई इसमें हल निकाला जा सकता है। मगर हम प्रशासन की इस बात पे हम कैसे एग्री हो जाएं कि प्रशासन जो एक टाइम पे अपनी रिपोर्ट 12 मीटर की लिख चुका है, अगर वो रिपोर्ट ही 10 मीटर की बनाता तो शायद हो सकता सहमति बन सकती थी। मगर प्रशासन आज हम पे ब्लेम करा रहा है कि हम कोर्ट की शरण में गए। हम कोर्ट की शरण में नहीं गए, क्योंकि प्रशासन ने कुछ हालात ऐसे पैदा कर देते हम कोर्ट की शरण में जाना पड़े। अगर प्रशासन शुरू में ही बीच का रास्ता निकालता तो शायद शहर का विकास भी हो सकता था। हम विकास के लिए कभी बाधित नहीं होते हैं। हमने आज से पहले एक शहर की एक रोड की मांग थी, मगर जिला प्रशासन, यहाँ का शासन प्रशासन ने कभी उस चीज़ की अनदेखी करते रहे और उसका पूरा लोड नैनीताल रोड पर डाल दिया। हम पसंद थे, आज वो फिर विरोध कर रहे हैं कि जब तक शहर के अंदर वैकल्पिक मार्ग नहीं खोलेंगे, रिंग रोड नहीं बनेगा, तो आप चाहे इसे 4 लाइन बना दीजिए, आने टाइम पे ये 8 लाइन की मांग होगी। जहाँ कोई शहर बता दीजिए जहाँ की जनसंख्या बढ़ी और जहाँ पे लोड ना पड़ा हो। हम प्रशासन से बात कर कहना चाहते हैं, ये सिर्फ बाजार है, इस बाजार क्षेत्र को बाजार क्षेत्र की हालत में रहने दीजिए, और आप NH वगैरह जो आपका गोला पार है, ऐसे कई लिंक है, वो लिंक को खोला जाए और शहर का बाईपास हो, लोड को कम करा जाए। आज भी जो मीटिंग इसी संदर्भ में हम इसको अंतिम रूप देखा देना चाहता है कि हमारे व्यापारियों का हम उत्पीड़न किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। सर, अभी आप लोग कितने की मांग कर रहे हैं कि कितने मीटर तक हो, आप लोग एग्री हैं देने के? हमारे हम तो कहते हैं जो जिला रोड का मानक है उस पर प्रशासन हमसे बात करें। हाँ, जिला अगर आपको लगता है कि कुछ जगह 12 मीटर आ रही है तो 12 मीटर ले सकते हैं। आप आज अपनी संपत्ति को अतिक्रमण कैसे बता सकते हैं? आज आपने ही अपने हॉस्पिटल तोड़ने की आप तोड़ रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल तोड़े हैं, वो अतिक्रमणकारी क्या थे? वो प्रशासन ये बताया कि प्रशासन ने अगर अतिक्रमण करा रहा है, जब प्रशासन अतिक्रमण करता तो क्या जनता नहीं करेगी? जनता हमारा कोई अतिक्रमण नहीं, क्योंकि उस समय के जो नजूल में भी नक्शे पास हुए थे, ये नक्शे पास होकर बैठे हुए हैं, कोई अतिक्रमणकारी नहीं है। जिनके आज जो कह रहे हैं ये नेशनल रोड नहीं थी पहले, आज प्रशासन कहते हैं NH, इन्होंने शराब माफियाओं को बदलने के लिए गोला पार्क को NH कर दिया। सर, कितनी दुकानें इसकी जद में आ रही हैं जो चौरीकरण है? चौरीकरण में कम से कम हमारे 80-90 जो व्यापारी आ रहे हैं, इसमें कम से कम अगर प्रशासन अच्छी वार्ता करता है तो हमारे 20-25 व्यापारी जो पूरी तरह, जिनकी पूरी दुकानें जा रही हैं, अगर प्रशासन उनको पहले कहीं दुकान बना के दे दे तो हम वार्ता प्रशासन करने के लिए तैयार हैं। आखिरी बार कब वार्ता हुई थी आपके प्रशासन से, और अब आगे की क्या रणनीति आप लोग यहाँ? हमारी जो वार्ता, हमने तो जब सांसद जी से भी बात वार्ता करते हैं, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी से वार्ता हो चुकी, मगर शायद सांसद जी की हमारी बात को शासन सरकार ने कभी भी अनसुनी कर दी। प्रशासनिक अधिकारियों से DMM नहीं, हमारी तो हमारे सांसद अजय भट्ट जी से सीधे मुख्यमंत्री से वार्ता हुई थी, मगर वो भी हमें एक ऐसा लगा कि हमें एक झुंझुना दिया गया, वो वार्ता भी एक विफल हुई। हमने यहाँ के भाजपा के पार्टी के जिला अध्यक्ष से भी वार्ता करी, वो वार्ता से उन्होंने DM से भी वार्ता करी, मगर शायद वो वार्ता में थोड़ा सा लगा कि एक हो सकता है कि कोई कंप्रोमाइज की एक नीति निकल जाए। मुख्यमंत्री द्वारा हमें 1 मीटर का 12 मीटर से 11 मीटर के लिए कहा गया, हमने उनका स्वागत करा, हम जाते हमारा व्यापारी जितना बच जाए हम उसके लिए हमेशा संघर्षशील रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। आप लोगों ने मसाल जुलूस भी निकाला, आप लोग कोर्ट में भी गए, आगे का क्या प्लान है आपका? क्योंकि जैसे प्रशासन हम देख रहे हैं लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, जो बिजली के पोल हैं वो भी शिफ्ट किए जा रहे हैं, पेड़ हैं उनका कटान भी शुरू हो गया, और काफ़ी तेज़ गति से प्रशासन जो है इस समय काम कर रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना? प्रशासन तो अभी अपनी अपनी भूमि ले रहा है, प्रशासन अपनी भूमि ले रहा है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर जो व्यापारी आज 70-70 साल से बैठे हुए हैं, क्या उनको रोजगार से वंचित करेंगे? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री की कोई ऐसी नीति है कि पहले लोगों को वंचित कर दिया जाए उसके बाद रोजगार? हम कहते हैं पहले हमें रोजगार दो फिर हमें वंचित करो। जब तक हमें रोजगार नहीं, हमें वंचित अगर कोई करेगा तो हम सड़कों में बैठेंगे और आंदोलन करेंगे। आंदोलन के लिए हमें चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े हम आंदोलन करेंगे। और ये शायद ये लड़ाई आज हल्द्वानी की नहीं, ये पूरे उत्तराखंड की है और ये पूरे प्रदेश की लड़ाई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है संगठन मंत्री उपेंद्र कनवाल, उनसे बात करते हैं। सर, आज आप लोग यहाँ पे बैठक कर रहे हैं, तमाम व्यापारी यहाँ पहुँचे हैं, तो किस मुद्दे को लेकर चर्चा है और आगे की क्या रणनीति बनाई जा रही है? सर्वप्रथम आपका धन्यवाद, आपके न्यूज़ चैनल से हमारी आवाज़, मीडिया की आवाज़, मीडिया से हमारी आवाज़ प्रशासन तक पहुँचती है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने आपातकालीन बैठक शहर में हो रहे अतिक्रमण के नाम से जो व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है,
उस विषय में आज आपातकालीन बैठक हमने आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल में रखी गई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लगभग लगभग यहाँ 80 से 100 साल पुराने व्यापारी बसे हुए हैं, जो जिनकी तीसरी पीढ़ी शायद यहाँ व्यापार कर रही है। तो अचानक ये तुगलकी फरमान आता है कि 12 मीटर 11 मीटर में आपकी दुकानें तोड़ी जाएंगी। अब जिन जो कई इसमें व्यापारी ऐसे हैं जिनकी संतानें नहीं हैं, वो बुजुर्ग व्यापारी कह रहे हैं हम 80 साल की उम्र में अब कहाँ जाएंगे। तो मानक के हिसाब से स्टेट हाईवे 7.5 मीटर का होना चाहिए। अगर ये देखते हैं तो हम व्यापारी लोग प्रशासन से शासन से निवेदन कर रहे हैं कि 7.5 मीटर का आप इसमें अतिक्रमण करिए, चौड़ी करिए, अच्छी बात है। प्रशासन की तरफ से 12 मीटर का आ जाए, प्रशासन की 11 मीटर का, मुख्यमंत्री जी को हमने जब ज्ञापन दिया था बीच में, इससे पहले 12 था, उसके बाद फिर 1 मीटर कम हुआ है ना, जब आप लोगों ने जी तो 12 था उसके बाद 11 मीटर हुआ है। तो हम भी चाहते हैं शहर का सौंदर्यकरण हो, शहर अच्छा बने, शहर हमारा है, चौड़ीकरण हो, विकास हो शहर का, प्रगति हो, लेकिन किसी का व्यापार उछाड़ के, किसी का घर बर्बाद करके, ये तो बहुत गलत चीज़ है। आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन तक अपनी बात कहना चाहता हूँ। तो प्रशासन इसमें कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकाले जिससे किसी का उत्पीड़न भी ना हो, व्यापार प्रभावित ना हो, और तरीके से काम हो, शांतिपूर्वक काम हो। हम तो जनप्रतिनिधि हैं, व्यापारी नेता हैं, व्यापारी नेता के साथ साथ हम सामाजिक लोग भी हैं। हमें समाज के हिसाब से समाज को भी देखना है। हम ये नहीं चाहते कि कहीं पर गलत हो, हम व्यापारी की भी बात बोलेंगे, हम समाज की भी बात बोलेंगे। हमें आज व्यापार मंडल ने चुना है, हम आगे और भी चुनाव लड़ेंगे, बड़ा प्रतिनिधि करेंगे, तो ये तो हमारी एक सीढ़ी दर सीढ़ी है। लेकिन हम प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाले जिससे व्यापारी हमारा परेशान भी ना हो और हमारा शहर सुंदर भी लगे, अच्छा भी लगे, और सब अपने व्यापार करें, खुशहाली हो, देश की प्रगति हो, हमारे प्रदेश की प्रगति हो, शहर की प्रगति हो, उन्नति हो और अच्छा कार्य हो। इससे पहले आप लोगों ने मसाल जुलूस वगैरह भी निकालता, उससे भी रहती है, कोर्ट में भी आप लोग गए, तो उससे संबंध कोई अपडेट है आपके कोर्ट में? हमारे हमने मसाल जुलूस विरोध में निकाला था, उस समय तुगलकी फरमान आया तो उस गर्मा गर्मी का जोश था, तो व्यापारियों में बहुत आक्रोश था, तो कईयों ने कहा कि मसाल जुलूस निकाल के अपना विरोध जताएं। उसके बाद हम इसकी कार्रवाई आगे लड़ने के लिए हमने काफ़ी धरना प्रदर्शन, काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी कोर्ट में भी। आप लोगों की तरफ से आप लोग कोर्ट में भी गए थे, तो वहाँ से कोई अपडेट क्या है? अपडेट उसकी ऐसा है, हमारे जैसे कि उसमें कुछ नगर निगम की दुकानें हैं, कुछ नजूल की दुकानें हैं, कुछ सरकारी भूमि है और कुछ फ्री होल्ड इसमें दुकानें हैं। तो हमारे इसमें से लगभग 40 व्यापारियों ने कोर्ट में दायर याचिका दायर कर रखी है, उसका भी शायद मेरे ख्याल से अभी कोई डिसीजन निर्णय नहीं आया हुआ है। इसमें फ्री होल्ड भी, इसमें कई की दुकानें फ्री होल्ड हैं जिसको सरकार हटाना चाह रही है, जो कि सही नहीं है। तो मानक के हिसाब से जब तक का कोर्ट से कोई डिसीजन निर्णय नहीं आता है, तो प्रशासन से हम यही गुहार करेंगे कि निर्णय का इंतजार किया जाए और आगे की जैसे भी आदेश ऊपर से उच्च न्यायालय से होगा तो फिर उसकी समीक्षा हमारे मंत्रिमंडल, व्यापार मंडल जो भी आगे का आदेश करेंगे, जो हमारे व्यापारी भाई कहेंगे, हो सकता है हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अगर हमें अपने प्रतिष्ठान को कहें। हाँ जी, और अगर थोड़ा हमारे पक्ष में रहा तो शायद हम इसमें देखेंगे, जैसे भी वार्ता बनेगी उसका बीच का रास्ता निकाला जाएगा। हम देख रहे हैं कि प्रशासन जो है बिजली पोल भी शिफ्ट करने लगा और पेड़ कटान भी होने लगा है, तो इसको लेकर आपको क्या लग रहा है कि प्रशासन का रुख लग रहा है कि वो इस चीज़ों पे वो हो रहा है, या प्रशासन अपनी तरफ से जो एक्शन ले रहा है वो लगातार चल ही रहा है? देखिए, प्रशासन तो इस समय इतना तेज़ी से काम कर रहा है, 2020 चल रहा लग रही है। मान लीजिए आप बिल्कुल व्यापारियों को, व्यापारियों की नींद और चैन बिल्कुल गायब है, ना व्यापारी सो पा रहा है, ना खा पा रहा है, ना जाग पा रहा है। इतना तेज़ी से काम कर रहे हैं कि अब ये समझिए अभी तक उन्होंने जितनी भी सरकारी भूमि थी, सरकारी प्रतिष्ठान थे, जैसे बेस हॉस्पिटल है, स्टेडियम है और कई चीज़ें जो सरकारी जत्न आती हैं, उनको इन्होंने कब्जा के अपना चौड़ीकरण कर दिया है। अब बात है प्राइवेटीकरण की, जिसमें व्यापारी व्यापार कर रहा है, तो ये इन्होंने ऐसा दहशत का माहौल बना दिया कि तुरंत रातों रात पोल भी लगाना, पेड़ भी काटना, डामरीकरण भी करना, उसमें अल्लाह पल्ला ये ऐसा कर दिया कि देश अभी व्यापारी इतना दहशत में है कि वो बेचारा डिप्रेशन में चले गया। तो
हम तो व्यापारी प्रतिनिधि करते हैं, व्यापारियों ने हमें चुन के भेजा है, तो हमारा यही शासन प्रशासन से अनुरोध रहेगा कि देखिए किसी की रोजी रोटी ना उजाड़ी जाए, बच्चे किसी के बेघर नहीं होने चाहिए, जो इतना साल पुराना व्यापारी है उसे कुछ राहत दी जानी चाहिए, शहर का चौड़ीकरण हो, हम भी चाहते हैं अच्छा सौंदर्यकरण हो, हमारा शहर है अच्छा लगे, प्रगति हो हमारे शहर की, खूबसूरत लगे, आने का पर्यटक आए यहाँ पर और भी जो बाहर से आते हैं उनको अच्छा लगे कि हल्द्वानी हाँ बहुत साफ़ सुथरी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, घूमने लायक जगह है, पर्यटक स्थल है। तो लेकिन किसी का उत्पीड़न करके तो गलत है, किसी का पेट काट के आप प्रगति करें तो ये अच्छी बात नहीं है। आपके मन आपके चैनल के माध्यम से मैं यही सरकार से गुजारिश करूँगा कि सबको मद्देनज़र रखते हुए आगे का कार्य किया जाए। तो देखा आपने हमारी इस खास रिपोर्ट में, हमने व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा उनसे, महामंत्री और दूसरे पदाधिकारियों से बात की और उनसे जाना कि किस मुद्दे को लेकर वो आज यहाँ पे बैठक कर रहे हैं। तो व्यापारी जो अध्यक्ष हैं और दूसरे पदाधिकारी हैं उन्होंने हमें बताया कि जिस तरह से सड़क चौड़ीकरण का जो काम है उसकी जद में जो तमाम दुकानें आ रही हैं मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक, उसी को लेकर यहाँ पर व्यापारी संगठनों की एक बैठक है। आपको बता दूं उससे पहले व्यापारियों ने तमाम तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया था, मसाल जुलूस भी निकाला था, जिसकी कवरेज भी आपने जेजेएन न्यूज़ में देखी होगी, हमने ग्राउंड व्यूज आपको दिखाया था किस तरह व्यापारी आक्रोशित थे और मसाल जुलूस निकाला। साथ ही जो व्यापारी हैं वो कोर्ट में भी गए, आपको बता दूं ये मामला फिलहाल कोर्ट में भी चल रहा है और जो व्यापारी हैं लगातार अपने तरीके से इस मुद्दे को उठाए हुए हैं। आज एक बार फिर यहाँ पर व्यापारी, तमाम व्यापारी जो हैं अध्यक्ष और दूसरे पदाधिकारी और तमाम व्यापारी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनकी तरफ से बैठक की जा रही है ताकि जो ये आंदोलन है व्यापारियों का उसको एक नई धार दी जा सके और फिर से एक नई रणनीति तैयार की जा सके। फिलहाल के लिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं गणेश अपने सहयोगी नितिन के साथ, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी।